जब से सैमसंग का S23 और S23 प्लस लॉन्च हुआ है ना, तब से सैमसंग उसके हर एक बजट के फोन में S23 और S23 प्लस जैसा ही डिजाइन चिपका रहा है हर एक फोन में। इसके वजह से दो चीज हो रहा है। पहला जो पॉइंट, S23 प्लस या S23 का जो डिजाइन है, अगर सैमसंग हर एक बजट के फोन में सेम डिजाइन चिपकाता रहेगा, S23 सीरीज का जो यूनिक लुक है जो उसके कैमरा मॉड्यूल के वजह से अलग बनाता है वो नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट, बहुत सारे भाई लोग S23 को खरीद नहीं पाता है बहुत ज्यादा हाई प्राइस के वजह से, तो बजट में अगर सेम डिजाइन आ जाए बहुत सारे लोग खुश हो जाता है कि S23 का डिजाइन बजट में भी आ चुका है और मैं खरीदूंगा। दूसरे पर्सन देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे पास S23 है। इसके वजह से ही बहुत सारे लोग सैमसंग का जो बजट फोन है वो खरीदता है। पिछले 25 दिनों से मैं प्राइमरी फोन के हिसाब से ही सैमसंग गैलेक्सी A34 को यूज कर रहा हूं। इसके अंदर मेरा मेन सिम डला हुआ है, फोन पे, गूगल पे, हर एक काम जो मैं प्राइमरी फोन में यूज करता हूँ वो इस फोन में मैं स्विच कर चुका हूँ। एक्चुअली में जब मैं इस फोन को खरीदा था ना, इसका कैमरा मुझे बहुत पसंद आ गया था। 30,000 रुपीज में शायद ही ऐसा कोई फोन है जो इसके साथ कंपटीशन दे सकता है। इसके वजह से ही इस फोन को मैं प्राइमरी फोन के हिसाब से यूज करने लग गया था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या ये फोन खरीदने का लायक है, इस फोन का बैटरी कैसा है, कैमरा कैसा है, साथ ही साथ डिस्प्ले किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, डिटेल में सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। लास्ट तक देखना वीडियो को। देखिए, मैं पहले ही बता दिया था S23 सीरीज जैसा ही इसका कैमरा का मॉड्यूल है या डिजाइन है, तो सेम टू सेम डिजाइन है। अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ही लगेगा कि S23 या S23 प्लस ही है। बैक साइड में हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट वगैरह यूज किया है, तो उसके वजह से हाथों का निशान, क्रैचेस वगैरह उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं रहता है। और कैमरा मॉड्यूल सच में मेरे को काफी अच्छा लगा। सस्ता S23 है ऐसा ही मुझे लगता है, लेकिन बहुत भारी फोन है यार। पहले जब आप यूज करोगे ना थोड़ा सा दिक्कत देगा। एक हाथों में काफी देर तक यूज कर रहे हो ना, आपका हाथ दुखेगा। थोड़ा सा हेवी वेट मेरे को लगा है, लेकिन यूज करते करते मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। जब मैं 10, 12 या 15 दिन यूज कर लिया हूँ तब मुझे उतना ज्यादा हेवी वेट नहीं लगा था। लेकिन इसका जो चौड़ाई है ना वो बहुत ज्यादा है। अभी भी मुझे टेम्पर ग्लास नहीं मिला है। एक्चुअली में ऑनलाइन में जो टेम्पर ग्लास होता है वो 150-200 रुपीज के आसपास है, तो उसके वजह से मुझे सस्ता टेम्पर ग्लास लगाना था 70-80 रुपीज के आसपास। तो मैं ऑफलाइन मार्केट विजिट किया था, किसी भी शॉप में मुझे इसका जो टेम्पर ग्लास है वो मिला ही नहीं। सारे के सारे ऑफलाइन स्टोर बता रहा है इस फोन का जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से टेम्पर ग्लास अभी तक बन नहीं रहा है। हालांकि ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट या अमेज़न में मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में अभी तक मुझे नहीं मिला। डिस्प्ले के अंदर इस फोन में जो बेजल्स वगैरह है ना वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड करता है। बहुत बड़ा बेजल्स है। यहाँ पे नीचे चेन भी देखिए, नीचे चेन एवरेज मेरे को लगा है, लेकिन जो बेजल्स है वो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे अगर पंचल सेल्फी कैमरा देता ना तो मजा ही आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ वाटर ड्रॉप नॉच दिया है। डिस्प्ले काफी अच्छा है। अगर आप लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो, हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हो, यूट्यूब वीडियो देखते रहते हो या हॉटस्टार में मूवी वगैरह ज्यादा देखते हो, तो मुझे लगता है 30,000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट अच्छा डिस्प्ले वाला फोन है। मैंने बहुत सारे मूवी या कंटेंट वगैरह कंज्यूम किया था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को दिया है, क्या ही बताऊं। सुपर इसका डिस्प्ले है। ऑब्वियसली सैमसंग का ही डिस्प्ले, ऊपर से एमोलेड डिस्प्ले, तो मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो खतरनाक रहने वाला है। तो इसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ऊपर से 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट भी दिया है। देखिए, मैं 120 हर्ट्ज को जब मैं यूज कर रहा था मुझे कोई भी जिटर वगैरह महसूस नहीं हुआ है, और सच में लगता है 120 हर्ट्ज में यूज कर रहा हूं। ऊपर से सैमसंग का डिस्प्ले है ना, तो थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मेरे को मिला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। आउटडोर में मैंने यूज किया था, इसका आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। एक चीज में मेरे को शिकायत है, देखिए यहाँ पे HDR 10 प्लस का सपोर्ट नहीं है, तो YouTube में अगर आप लोग HDR कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। ये तो दिक्कत है, लेकिन इसके साथ साथ और एक बड़ी दिक्कत है। देखिए, YouTube में जब मैं फुल HD करके कंटेंट कंज्यूम करने जाता हूँ, कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो या खुद का मेरा ही वीडियो, जब मैं फुल HD 50 FPS मेरा वीडियो शूट होता है, तो मैं फुल HD करके जब मैं देखने जाता हूँ ना, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप लैगिंग इशू लगा है। कभी कभार क्या होता है, आप फुल HD कर दिए हो, मूवी या कोई भी वीडियो चल रहा है, अचानक पॉज हो गया है, फिर से चलना शुरू हो गया है ऑटोमेटिकली। मैं पॉज नहीं करता हूँ या मैं रिज्यूम नहीं करता हूँ, ऑटोमेटिकली प्ले होता है, ऑटोमेटिकली पॉज होता है, तो ऐसा मुझे लगा है। और कभी कभार तो अटक अटक के चलता है, इतना अटक अटक के चलता है मैं परेशान होकर फुल HD से HD कर देता हूँ, 720p कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इस फोन के साथ ये दिक्कत है। अगर आप ये फोन ले रहे हो तो MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट मिलता है, 476,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आया है। देखिए, पबजी इस फोन में आप लोग आराम से खेल पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। मैं पबजी भी खेला हूँ काफी टाइम तक, लैगिंग इशू कुछ भी नहीं है, स्मूथली एक्सपीरियंस दिया था। मैं काफी देर
देर तक खेला हूँ और गेमिंग के टाइम में हीटिंग इशू भी मेरे को नहीं लगा है। लेकिन एक चीज में शिकायत है, इस फोन में ना मैं टाइम पास के लिए कभी कभार माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल में जो क्लामबोर्ड खेला जाता है, जो एप्लीकेशन होता है ना प्ले स्टोर में मिलता रहता है, तो उस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल करके टाइम पास के लिए या माइंड फ्रेश के लिए कभी कभार प्ले कर लेता हूँ। एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं क्लामबोर्ड खेलने जाता हूँ ये फोन बहुत ज्यादा लैग करता है, साथ ही साथ बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन करता है, तो ये चीज मैंने नोटिस किया हूँ। हालांकि पबजी में तो मुझे कोई भी लैगिंग इशू नहीं लगा, लेकिन ये छोटे मोटे 50 या 60 एमबी के एप्लीकेशन को भी झेल नहीं पा रहा है, तो ये क्या चक्कर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पबजी अच्छा अच्छा चल रहा है जबकि वो बहुत हेवी गेम है, उसी जगह में एक लाइट वेट गेम को खेल रहा हूँ तो वहां पे ये फोन लैग या फ्रेम ड्रॉप दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है मेरे को समझ में नहीं आता है। अपडेट के जरिए फिक्स हो सकता है, तो सैमसंग का इसके ऊपर काम करना चाहिए। शेयर करो यार इस वीडियो को ताकि सैमसंग तक पहुंच जाए। और एक चीज मैं नोटिस किया हूँ, यूट्यूब में सर्च में जाके जब मैं वॉइस सर्च करता हूँ ना, तब ये फोन यूट्यूब को टोटली क्रैश कर देता है, ये मैंने खुद नोटिस किया हूँ। और हाँ, यूट्यूब का मैं अपडेट वर्सन यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फोन में जो प्री इंस्टॉल मिलता है उसको ही मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, प्ले स्टोर से मैं अपडेट करता रहता हूँ। और यार मैं यूट्यूबर हूँ, ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह एप्लीकेशन को मैं अपडेट ही रखूंगा ना, तो ऐसा मत समझना। फिर भी ये फोन क्रैश कर दे रहा था यूट्यूब को, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम मेरे को बहुत इरिटेटेड करता है। इस फोन में वन यूआई मिलता है, एंड्रॉइड दुनिया में मैं सबसे ज्यादा कोई भी यूआई को पसंद करता हूँ वो वन यूआई को, बस ये मेरा एक तरफा पसंद नहीं है। वन यूआई बहुत क्लीन यूजर फ्रेंडली होता है, एक्सपीरियंस आप लोगों को बेटर देता है हर एक यूआई से, तो यहाँ पे क्लीन यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी लैगिंग या जिटर इशू मुझे दिखा ही नहीं दिया। मेरे पास 8GB 128GB वेरिएंट है, रैम मैनेजमेंट इसका तगड़ा है, बहुत सारे एप्लीकेशन को मैं टेस्ट कर रहा था, रैम में जाके हर एक एप्लीकेशन को ओपन किया था रैम से। इसके और एक शिकायत है, देखिए 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है। अब लोगों को पता है मैं कितना हेवी यूज करता हूँ फोन को, मैं ज्यादातर ना फेसबुक यूज करता रहता हूँ, मतलब मैं थंबनेल वगैरह एडिट करता रहता हूँ, उस टाइम में फेसबुक में वीडियो वगैरह प्ले कर देता हूँ, या तो यूट्यूब में वीडियो वगैरह प्ले कर देता हूँ, या तो हॉटस्टार में कोई भी मूवी वगैरह प्ले कर देता हूँ, तो ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, या तो मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, मेरा वीडियो या दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखता रहता हूँ, उसी दौरान दिन में मेरे को 2 बार चार्ज करना पड़ता है। इस फोन का बैटरी ड्रेन इशू है, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है इस फोन में। दिन में 2 बार चार्ज करना बहुत ही बुरा चीज है यार, मुझे लगा था कि दिन में कम से कम 1 बार चार्ज करना पड़ेगा, तो यार सैमसंग क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बैटरी उतना अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। इस फोन में आप 25W के चार्जर से चार्ज कर सकते हो और ये सैमसंग का फास्ट चार्ज ही है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स कोई भी चार्जर नहीं मिलता है। मेरे पास 25W का अलग सा चार्जर है, मैं 1500 रुपीज देकर खरीदा था इस चार्जर को। 0% से 100% फुल चार्ज करने के लिए टाइम लगता है 1.5 घंटे के आसपास, तो अगर आप ये फोन ले रहे हो चार्जिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और पहले से अगर आपके पास 15W का चार्जर है तो 2 घंटे के आसपास टाइम लगेगा फुल चार्ज होने के लिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है। चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस फोन को मैंने खरीदा था इसके कैमरा के लिए, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन में 4K 30fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फुल HD 30fps और 60fps का ऑप्शन भी दिया है, सेम टू सेम सेल्फी कैमरा में भी सेम सेटिंग है। देखिए कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, कैमरा सैंपल इसका मस्त है, हर एक सिचुएशन में बेटर सैंपल खींचता है। अगर मैं आप लोगों को इसका प्रोटेट सैंपल दिखाऊं, ह्यूमन प्रोटेट सैंपल, बेटर सैंपल खींचता है, एज डिटेक्शन वगैरह भी काफी अच्छा है, और बैकग्राउंड जो ब्लर है उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। इवन जिस परसेंट में रखकर आप प्रोटेट सैंपल खींच रहे हो बेटर ही आता है। डायनामिक रेंज में भी ये फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है, इवन कलर कंट्रास्ट में भी ये फोन पीछे नहीं है, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। सेल्फी कैमरा में भी ये फोन शानदार है, ज्यादा फेस को ब्यूटी नहीं करता है, बैकग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है उसको भी ठीक ठाक मेंटेन करता है, ह्यूमन टोन कलर को भी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। ओवरऑल इसका कैमरा मेरे को काफी अच्छा लगा, मैं बहुत सारे कैमरा सैंपल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, कैमरा सैंपल इसका मेरे को काफी अच्छा लगा और मेनली कैमरा के लिए ही इस फोन को मैंने खरीदा था। अगर इस फोन को कैमरा के मामले में कोई भी फोन टक्कर दे सकता है वो सैमसंग का ही खुद का ही सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, वो जनरली 30 या 33,000 के आसपास मिल जाता है कभी कभार सेल में, तो उसका कैमरा इससे बेटर है, वरना इस प्राइस में शानदार कैमरा है इसका। बात करते हैं इस फोन को खरीदना चाहिए कि नहीं, देखिए 31,000 रुपीज इसका प्राइस है। इस फोन में कुछ कुछ कमियां है, मैं आप लोगों को बता
बता देता हूँ। सबसे पहला जो कमियां है इसके बैटरी में बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। दूसरा कमियां है डे टू लाइफ यूजर्स में बहुत ज्यादा लैगिंग इशू का सामना करना पड़ेगा। पहले यूट्यूब में तो मैंने बहुत सारे बग्स वगैरह देखा हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसा छोटे मोटे एप्लीकेशन है जो क्रैश कर देता है ये फोन। तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे पॉइंट लगा है वो है इसके यूट्यूब पे। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वीडियो रुक रुक के चलता है, सर्च करने से क्रैश कर देता है, तो बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम मेरे को नोटिस हुआ है। देखिए बैलेंस्ड फोन है, अगर आप कैमरा सेंट्रिक सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना परफॉर्मेंस वाइज अदर्स किसी भी दिख से मेरे को ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं लगता है। और वन यूआई मेरे को काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस फोन में ये सारे छोटे मोटे बग्स को देखकर वन यूआई से भी मेरा भरोसा उठ जा रहा है धीरे धीरे। बाकी आप समझदार हो, नॉर्मल यूजर्स के लिए या कैमरा के लिए काफी शानदार स्मार्टफोन है। इसके अलावा बाकी हर एक चीजों से ये फोन मार खा जाता है। अगर आप लोगों को हमारे रिव्यू अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड के साथ। अगर आपके फ्रेंड ये फोन खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको भी पता रहना चाहिए इस फोन के बारे में। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।